अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहज़र है। वेलकम टू इनोवेशन चेन ऑफिशियल। आज हम आपको एक्चुअली बहुत बड़ी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं। इनोवेशन चेन ऑफिशियल के फाउंडर से आपको आज तारुफ करवाएंगे। हम आपको उनसे मिलवाएंगे और कुछ उनसे सवालात करेंगे हम, जो कि काफ़ी लोगों के सवाल हैं। काफ़ी जो हमारे मेंबर्स आते हैं, न्यू मेंबर्स आते हैं, या ऑलरेडी जो लोग काफ़ी अरसे से इनको सुन रहे हैं, इनोवेशन चेन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये है क्या चीज़ और सारा कुछ ना। तो हम आज फाउंडर जो हमारे पास मौजूद हैं इनोवेशन चेन ऑफिशियल के, उनका हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे कुछ सवालात करेंगे और आगे उनसे हम मिलते हैं। आइए वेलकम करते हैं सर से ज़्यादा मत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुना? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि इनोवेशन चेन ऑफिशियल है क्या और ये स्टार्ट कब हुई थी? सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि इनोवेशन चेन से पहले मैंने ज़िंदगी का आगाज़ किया था इंतहाई गुरबत के घराने से। तो कोशिश थी ये कि मैं कुछ सीखूं, कुछ बड़ा करूं। तो उसमें मुश्किलात ये आती थी कि जब भी हम किसी जगह सीखने जाते थे या किसी इंस्टीट्यूट में जाते थे, तो हमें ये मुश्किल होती थी कि कोई हमें सिखाने वाला नहीं मिलता था, कोई एक लाइन पे चढ़ाने वाला नहीं मिलता था। क्योंकि सक्सेस की जो रेशो होती है वो तब बढ़ती है जब आप किसी एक जगह पे जाते हैं तो आपको कोई उंगली पकड़ के चलना सिखाए। तो मैंने उस वक्त एक इरादा किया कि जब मैं सीख जाऊंगा तो फिर मैं एक अपना इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, और उस इंस्टीट्यूट की वजह से फिर जितने भी लोग आएंगे, जो आज जिस तरह मैं दिखे खा रहा हूँ, इस तरह बाकी नहीं करेंगे। तो मैंने अपने कैरियर का वैसे आगाज़ 2008 से किया था, और इनोवेशन चेन जो है ये 2015 में मार्ज़ वजूद में आई थी। और 2015 में हम 6 लोग थे जो इनोवेशन चेन को बनाने वालों में थे जी। और उसके बाद हमने इसमें स्टार्ट जो आगाज़ किया था वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग से हमने आगाज़ किया था लोगों को सिखाने का, जो कि कंटिन्यूसली सिलसिला जो है वो जारी है। सही हो गया। तो इनोवेशन चेन में अभी आपने जो पाकिस्तान में जो अचीवमेंट्स आपने हासिल की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान में आपने कितना अरसा जो चलाया इनोवेशन चेन को, और आप मलेशिया में कितनी देर से हैं, और मलेशिया में इनोवेशन चेन की आपने बुनियाद कितनी देर होगी रखे हुए? पाकिस्तान में 2015 से हमने इसका आगाज़ किया था, और पाकिस्तान के तकरीबन 50 से ज़्यादा छोटे बड़े शहरों में हम फिज़िकल गए, वहाँ पे जाके हमने ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं। और पाकिस्तान के अंदर उस वक़्त में, यानी कि 2015 से ले कर 2019 से, यानी ये 4 साल बनते हैं, इन 4 सालों में हमने पाकिस्तान के अंदर इसको चलाया। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारी कम्युनिटी की तादाद थी उस वक़्त, वो टोटल 4 सालों के अंदर इतनी स्पीड अप तो नहीं बढ़ी, लेकिन तकरीबन हो गई थी 2500-3000 के राउंड अबाउट। सही। उसके बाद फिर 2019 के लास्ट में मैं एक टूर पे आए थे, और फिर मलेशिया में भी आना हुआ। इस तरह हम पहले श्रीलंका, मलेशिया, तो इस तरह, तो यहाँ पे आगे लॉकडाउन में आ गए, तो उस लॉकडाउन की वजह से फिर आगे जा नहीं सके, और इस वजह से यहाँ पे, फिर यहाँ से मैंने बैठ के, क्योंकि उस वक्त एक प्लेटफॉर्म टिकटॉक था, वहाँ पे बैठ के जब मैंने देखा कि यहाँ पे लोग 50-50 रिंगट के लिए अर्न करते हैं, तो 50 रिंगट के लोग अर्न करना, मतलब देखता था कि 50 रिंगट अर्न करने के लिए लोग को ईद वाले दिन भी काम करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वीडियो लगाई, और अपना जो नॉलेज था वो मैंने सोचा कि अब मैं फेसबुक और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे शेयर करूँगा, तो वो मैंने शेयर करना शुरू किया। और 2019 से स्टिल मैं मलेशिया में हूँ, और अब तक हमारी तकरीबन पूरी दुनिया में तकरीबन 30 कंट्रीज़ में और 25,000 से ज़्यादा की कम्युनिटी जो है वो अब तक हो चुकी है, और सीखने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद है। अगर हम जस्ट मलेशिया की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 800 प्लस लोग हैं, और अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे 2-3 हज़ार लोग वो हैं जो इस वक्त जॉब छोड़ चुके हैं और वो हमारे ही इंस्टीट्यूट से पैसा कमा रहे हैं। ठीक हो गया। अब एक और मेन सवाल जो कई लोग पूछते हैं, जब आप ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ठीक है, कोरोना आपको पता है आया, वर्ल्ड वाइड आया, इसने काफ़ी जो तबाही मचाई, उस टाइम आपने ये चेन स्टार्ट की, आपने लोगों को फ्री सिखाने की एक चेन स्टार्ट की, तो वो उसका मकसद क्या था, आप क्या सोच के आपने वो स्टार्ट की, हालांकि लोग ऐसे बुरे वक्त में आजकल किसी के काम नहीं आते? असल में मेरा ये था कि मैंने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो कोशिश थी ना वो ये थी कि मैंने यहाँ पे देखा, मैं ना जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ पे कुछ लोग थे जो ईद वाले दिन भी, यानी लास्ट जो छोटी ईद आई, मतलब ये जो लास्ट 2019 की छोटी ईद थी उसमें, यानी कि ये था कि मैं देखा कि वो ईद वाले दिन भी काम पे जा रहा था। मैंने उसे पूछा कि आप ये काम पे क्यों जा रहे हो, वगैरह जी गुजारा नहीं होता, 50 रिंगट के ऊपर गुजारा नहीं होता। फिर बाद में लॉकडाउन लग गया तो मैंने यहाँ पे 30-30 रिंगट के लिए भी लोगों को काम करते देखा, कईयों को खुदकुशी करते भी देखा।
तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाऊं। तो इस सर्विस के लिए हमने पहले व्हाट्सएप दिया था, जब लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके बाद फिर हमने उसे फेसबुक पे और टेलीग्राम पे ले गए। तो अब फेसबुक पे जो है ना तकरीबन 9200 लोग हमारे फेसबुक ग्रुप में फ्री सीख रहे हैं और टेलीग्राम में भी 2400-2500 सीख रहे हैं, और एक हमारा प्रीमियम ग्रुप है जो व्हाट्सएप के ऊपर है, वहाँ पे भी जो है ना 750 लोग सीख के जा चुके हैं अभी, जो तकरीबन 250 व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है। फ्री सिखाने का मतलब ये था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाउ नाउ भी नहीं जानते हैं इस मार्केट की, तो वो इस काबिल हो सकें कि उनको ये समझ आ सके कि पैसा कमाना कैसे है, तो वो उसी फ्री सर्विस से कमा के तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें। तो अभी तक वो फ्री सर्विस जारी है फेसबुक पे, और बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो जो फ्री सीखे थे और वो फ्री सीख के वहीं से कमाना शुरू कर दिए, उनको पेड कोर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। ठीक हो गया। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूँगा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उन मेंबर्स के लिए जो न्यू हैं, बिल्कुल न्यू हैं क्रिप्टो फील्ड में, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे और उनके लिए क्या मैसेज है कि वो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ आएँ या फिर ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ और इनोवेशन चेन ज्वाइन करें, उनको क्यों ज्वाइन करना चाहिए इनोवेशन चेन, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले ये है कि क्रिप्टो में वो अगर इनोवेशन चेन हो या कोई भी हो, क्रिप्टो एक फ्यूचर है और ब्लॉकचेन की एक हकीकत है जो कि आइंदा अभी लोगों को समझ नहीं आ रही। जैसे कि जब गूगल आया था लोगों को इतनी समझ नहीं आ रही थी, फेसबुक आया था समझ नहीं आ रही थी, लाइक जैसे पानी बेचने वाला आया था तो लोगों ने उसका मजाक बनाया था कि ये पानी बेच रहा है इसका क्या बनेगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को ऑब्जर्व हुआ कि नहीं, पानी भी खरीदा जाता है। इसी तरह दुनिया में 2009 से बिटकॉइन दुनिया में हिस्ट्री में मौजूद है। पहले लोगों ने लाइट लिया, 2017 के बाद सीरियस लेना शुरू किया, 2022 में बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट मतलब आके इसको अब वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, अब मुल्कों के मुल्क इसको मान रहे हैं, तो 2030 तक इसको पूरी दुनिया अडॉप्ट कर चुकी होगी। अब ये जो 6-7 साल हैं इसमें आपको पता है जो पहले आ जाएगा तो वो कमा जाएगा। अब लाइफ चेंज करने के लिए सीखना तो कहीं पर भी है, वो इनोवेशन चेन से सीखें या कहीं से भी सीखें जी, लेकिन इनोवेशन चेन में आने का क्या फ़ायदा होगा ये मैं बता देता हूँ अपने न्यू दोस्तों को। इनोवेशन चेन में आने के बाद आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे घर में एक माँ अपने बच्चे को ट्रीट करती है। Exactly. आप किसी भी ग्रुप में जाते हैं, एडमिन आपको आंस नहीं करता, तो इनोवेशन चेन में आपको ये सहूलत होगी कि हमारे एडमिन 5 से 6 एडमिन हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे, हमारी वेबसाइट पे हर वक्त ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल होगी। दूसरा, आपको बच्चों की तरह सिखाया जाएगा, आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आपके पास फंड कम है या आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तो इसमें आप हर तरह से आपको जो है ना गाइड किया जाएगा, सिखाया जाएगा, और आप 100% छोटी से कहता हूँ आप जस्ट एक बार आएंगे, उसके बाद फीडबैक आप खुद देंगे। ओके, ठीक हो गया जी। तो ये थे इनोवेशन चेन ऑफिशियल के फाउंडर मिस्टर सजाद अहमद, तो ये आप इनकी ज़ुबानी सुन चुके हैं, इनोवेशन चेन है क्या, इनोवेशन चेन वजूद में क्यों आई, मलेशिया में इनोवेशन चेन ने क्या क्या काम किए, लोगों को किस तरह से सिखाया, लोगों की अचीवमेंट्स, तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब आपका फैसला है कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड को चुनना चाहते हैं, क्या आप गुलामी चुनना चाहते हैं या आज़ादी चुनना चाहते हैं, तो आप लोग इसी तरह हम लोग एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए और इसी तरह आपको जो है सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।